बेटा मम्मी जा काई के तुमने अबे लो गाड़ी नहीं ले जे खा दी। अब गाड़ी ले ले भी, अब तना जैसे काम अच्छो चलन लगे सो गाड़ी ले ले भी। अच्छा अच्छा हाँ बेटा हाँ हाँ चलो मम्मी लो। आओ बेटा अब ठंड होने लगी। अब तो ठंड तो हो रही है। तो मैं भागा आई थी, मैंने की माँ बिटिया आगी मागी जो गई कर ले। हाँ चलो रेहो खेहो बना कर ले, मोर ठंड में होत नहीं करो। राम राम पहुंच जाए समझी जू। ठीक है राम राम जाओ। अरे केतना भाई आए थे वो केतना गई हो फेरा गई। अरे समझी जू तुम्हें ऐसा कौन लगे, हमें तो बहुत उम्मीद आती कि हमारे समझी जू बहुत चाहत हमें। अरे चाहत तो है है। लेकिन मोहल्ला वाली तो कट के उनकी सास देखो बाप फलाने की सास से ढाई जा जल। अबे कहाँ करा समझी जू, अब ऐसा है कि बुढ़ापे की दंजा तुम्हें पता है, लड़का है मोरो हल्को सो 8-10 साल को लड़का है, वो बापू को रात है उते दिल्ली में कंपनी में काम करत है। अब मैं अकेली रात लड़का चलूंगा पढ़वे के लाने सुखा कहा। मैंने कही कि माँ ठंड पड़ा जी हाथ पाँव नहीं चल रहा है बुढ़ापे की दंजा सुखा कहा। भाई बिटिया लो जा सूत रेहो खे, अब तो मैं बुरा लगा तलो में लौटी मोहल्ला के कान। अब मोहल्ला सही बैठी जा भी बिल्कुल। अब मोहल्ला की ना कहा मोहल्ला की हाँ साजो लगा सब जगह ऐसा ही रिवाज है तो। जी कहते अच्छो तना देखो को कहते रिश्तेदार आए गए सुपरा लगन लगो आई फलाने कहते आ गो आई ठिकाने कहते हैं सो आओ। यही बात तो है जो बिटिया कहते अच्छा नहीं लगा। हाँ जो बात तो तुमने सही कही कछु नहीं समझी जू। चलो मैं भाई लौटी जात ले। हाँ आ गई तो भाई बनी रहो। हाँ हाँ चलो ठीक है सही है। चल चल जा दीदा मम्मी वहीं हैं। प्रिया मम्मी आ गई पानी आ रही है। अरे बताई ते आ गई है। हाँ हाँ और कैसी हो मम्मी? चलो भीतर आओ भीतर बताओ। हाँ 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 बैठो मम्मी बैठो। हाँ हाँ बेटा ले जो बैग धार देता ना। हाँ बैग अच्छा लगा मैं काला ही तो ले आई थी। कितने को आओ? 550 को आओ तो। हाँ मैं को आओ तो ना सही है लेकिन अच्छा है ना। और मैं जमा करती मैं तो काट के तो मैं तेरी राव कहाँ है तेरे भाग जाती हूँ। आया बढ़िया रोटी मिल रही तो मैं बनी बनाई सब्जी है चीज से सुविधा है। ओ बेटा सो ते कू देखा ओते ओते का हल्को भज्जा है सू गाँव है पड़वे के लाने जा कही बेटा। तो ऐसी तो बैठ बेटा मोरे सिलेंडर लगाए राव करेंगे जी ऊपर उछकल लग उस ससुर। अबे मैं गई मैंने की समझी जू राम राम सुखर तू ऐसी राम राम कौन काम की आए रोजे डरी आती तुम दोरे में गाँव को आदमी थूकाते के फलाने की समन फलाने की मताई फलाने की सास इतना डरी रात अतरे रोजे ऐसो काटती। हाँ ऐसो काटती ऊपर से का काटते करते अब तो माई हो सो आज रह लो रात काट लो सभी लस्ता नाप लाइयो घरे। अच्छा भाई ऐसो कही। हाँ बेटा ऐसे ये कर। भाई देखा मैं उपड़ा हूँ। हाँ मुँह के तो है ना कान पटा ले ना मुँह। तो सुन तो बेटा सुन तो। अरे गम मखा हाँ अब कैसी रही? अब जब बुढ़ा में अच्छी सुना है तब यहाँ है मजा। मुँह तो लगा के बुढ़ा की चाबे कुचाल दे जा बहू यही की मोरी बिटिया अच्छी है। एक काम कर बिटिया हम और अच्छो रसी आए ले सुबह इतई दे हूँ खे हूँ मोरी तो जिंदगी इतई कट जाने बिटिया ही लो। ओ का पता आज मारी के काल मारी मोरो कौन ठिकान हुआ। ओ जो तना मना मुँह मदद बन है मोरी लड़का के लाने सु बिटिया से के हूँ सु बिटिया कर दे कौन कछु कमियाँ है खूब तो दे भगवान खेती पाती है। अब बता दो दो ट्रैक्टर ठाड़े सब कछु तो है। दादा बहुत जालो है सही में। हाँ लग जालो। राम जी दादा तुमसे जा उम्मीद ना थी कि तुम हमारी मताई है ऐसी खरी खोटी सुना दे हो। नहीं हमने कछु नहीं सुनाई बेटा। ऐसे कैसे नहीं सुनाई? तो मोहल्ला वाले हमें सुना। हमारी मताई जब आई थी सो इतना बड़ा मोह लेके आई थी तुमने खरी खोटी सुनाई सो इतना सा मोरेगा उको। हमने नहीं कही मोहल्ला वाले हम तक सो हमें तना की आई थी। अरे ऐसे कैसे होगा हो कायगा तुम बात बताओ हमारी मताई तुम्हारी मताई नोई सो कुआ काट के नोई तुम्हारी दद्दा ने इतनी खरी खोटी सुनाई हमारी मताई है कि उनको मोह इतना सो रहेगा। कभी सुनाई दे मैं तो खुद ही बैठ रहा दद्दा ने कहा कह दे तो ही भाई से तुम्हारे कान तो है पंचायत से तो मैं कछु सुनाई नहीं देता ठीक है। और दद्दा ने भाई सुने दे और तुम्हें सुनाई नहीं देगा हमारी मताई तो मोह देखो आए देखो तुम्हारी मोरी कैसी सुना रही है का समझन जी तुम खुद जो को चाहिए। अब का बताए समझी जू उनकी बात अन में न लगो मैंने तो कछु नहीं कह दिया लेकिन अब कह करा तूने सुन ली ये तुमने कही। अरे तो हमने जो थोड़ी कही थी हमने जब चार जने हमें
किया है तो हमें किया इतना बार देखो देखो किया ही ना निकलिया ही इनके मुंह से कि इनने खाई है मोहल्ला वाले का तो हम ही ना कह दे अरे तब उन मोहल्ला के का सो बता दे उन्हें का कह दे इनने काय कही बैठो तो कछुलो नहीं बात भज्जा दो बात है नहीं भैया का तो अब रहा नहीं दो मोई मताई की वैसे भी तबीयत खराब है इनने दो दो तीन बातें सुना दे वहाँ कहूँ पीलिया पोलिया हो जाए तो अब देखिए मैं लुबानो ही लिया मुझे अगर बाना होती तकलीफ तो मैं लुबाना मैं लुबा लिया के चले ते रहे खेत अपने दद्दा कान नाक खोल के इनसे कह दो कि सुन ले हमारी बात अपने दद्दा तुम समझा दो ठीक है नहीं तो फिर हम समझा देते तन तन सी बात आने लगे जा भी तर मम्मी लुबा दो जा मैं समझा दे तन तन ही बात लेकर लड़न लगती तो मोल यही तो वर्तन में कमियां है का कही ए तर समझ के चलनी आई तुमने कछु गलत नहीं कही मैं तई बैठो तो जाओ मम्मी लवा तो जाओ तो मैं भीतर हां 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 चलो चल जाओ चल चलते अब जा कही संदी साहब तुम उनकी बातन में ना लगे रहो बात मुंह का है मैंने तुमसे कछु कही लड़न लेकिन तुमने जब कई सुबह तोरे में ठाणी गई हुई जिसने सुन लाई नहीं तो हमने कौन गलत था कही थी सो अब लेकिन तुम्हें ऐसा ना कहो चाची ना अरे तुम्हारी समझना हम तुम्हें तो और आदर सत्कार करो चाहिए कि तुम रोज आए उन्हें समझना हम अरे सत्कार हम तो सब करे लेकिन क्या है कि बेइज्जती तो हमारी हो ना बेइज्जती हो तो जो कोई आदमी कह सके तो कौन तुम्हारे बाप खबर हमारी समझन चाहे एक दिन आया चाहे दस दिन में आया चाहे महीना भर छोड़ो कचुनिया हो जाती बात चलो अल्लाह तना बुरा लगा लगा अच्छा नहीं लगाती है सो अरे तो बुरा हमें लगा मजदूरी में रोज डर उड़ाने हैं तो अब तुम्हें ऐसी बातें करा तो मूर्खन जैसी अरे तो हमें भी तो उतना बुरा लगा सुना तुम्हें और मैंने सुनी थी कि तुमने एक दिन हमारी बिटिया हाँ ऐसे ही ललकार दाओ तो मैं तो कछु नहीं बोली थी मैंने कही माँ जैसे ही ससुरा जैसे ही बापा है ससुर और बाप में कछु फर्क नहीं हो अरे मम्मी तन तन सी बातें लेने आती घर बेटा जो ने तुमने मारो तो उधर मोरी बिटिया ने बताओ तो मैंने तो आज तक नहीं कछु कही बेटा का बेटा जो कही दमाद ने मारो ना तो तेरा फोन लगाओ तुम वही का नहीं लगाओ तू नहीं भाई इनने तो कहूँ नहीं मारू का बिटिया ते भूल गई अच्छा हाँ हाँ एक दिन तुमने हमें मारो तो दो चाटा मारे थे और तुम पी के आए थे सो तुम्हें याद भी नहीं है ले ते भी ये तो कहा तुम हाँ बता दो मैं कभी मारा हुआ है मैंने आज तक ना तुम से कही और ना तुम्हारे बाप से कछु कही है मैं तो इतो चलो माँ बाल बच्ची है लड़ा भेड़ा तरा सबके होत लड़ाई दंगा है लेकिन मुँह कौन पतवा तू कि तुम्हारे खानदान में ऐसा होता हूँ मैं तो कभी जिंदगी मेरा बिटिया पटकती और ज्यादा अगर करो दमान तो मैं अपनी बिटिया को छोड़ छुट्टी करवा दे मम्मी मैं यहाँ लवा लिया तो चक चक कर हो और सुनो और हम बताए जहाँ हमारी बिटिया रहे उतरे रहे हम तय करके ब्याह करूँ तू कि जहाँ हमारी बिटिया रहे हम उतरे रहे हैं हमारी तो कछु तय ना भाई तीजा ना कू के ऐसे ब्याह होता ना ऐसी तय होती यहाँ के होता ही बिटिया भी रहे होता ही मताई भी रहे हमने संसार में ब्याह देखे ऐसे ब्याह नहीं भाई यार जी के बिटिया होती सो कहा ऊ की बिटिया नहीं खबाती मताई बाप हाँ अरे तो मम्मी खबाऊ थे हम कौन नानिया कर रहे लेकिन अब तुम उल्टो उल्टो बताती की हम इतनी रहे भी ब्याह में संगे आई थी तो ऐसा नहीं होता दो चार दिन रिश्तेदारी में सबको जा सो हम तुम्हें मना नहीं करी था इसे लुवा लिया है तुम्हें चलो ठीक है जे दना रहने वो समझन सो दम से रहो खाओ कौन टेंशन नहीं जो काज सो हम सबकी सुना जे अभी जो कैसे सबकी सुन भी सुना तो पहले हम आई हाँ हमें कौन हमारे भगवान ने कछु कमियां है हमारे तो खूब दा भगवान ने ज्यादा ये सो रात कटी जात हमारी और सब अपनी बिटिया है लुबा भी हम चले जे भी ठीक है चल बेटा चल जैसी सुना नहीं खरी खोटी अब तो देखो मम्मी यहाँ घर में है अब जब तुम्हें ऐसा गुण कर हो सो हम तो खूब क्या भी अपनी बिटिया से खूब समझाओ हमने कि तुम्हारे गुण देख के अच्छे चलो भाई ये बाप का सुकान दो दमान तो नहीं हमारा कछु का अब दमान हुलकी जोग है लड़ाई नहीं हो तुम आ जाती सुबह चेक चेक हो नहीं तो हमारी आज लो चेक चेक नहीं भाग जाती अरे मोरे राम हमें जिस दिन देख भी वो बेटा तुम हमारा बैग निकाला थैला हम जा जी अपने घर हमें जिस दिन नहीं देखने है बस तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी रुवादा हमारी मताई है हमारी मताई अब तक रोई नहीं है कबू लेकिन तुम्हारी तुमने तुमने बिल्कुल एक भी कसर नहीं छोड़ी तुम मैंने कहा गलत कह दी जो बता गलत ही गलत कहा तुम्हारे तुम्हारे मुंह से जो कांटे ही कांटे निकल रहे तुम अपने मुंह से कबू अच्छे लफ्ज नहीं निकाल रहा था तुमने ऐसा कह दी हमारी मताई को रोज रोज आओ थे कबू चार महीना में से पाँच छह महीना आ जा तुम्हें तो जब भीतर रोटी वोटी खबाते हैरान कर रोटी खबा जा भीतर हाँ अगर हमारी मताई पे कोनो भी अत्याचार करो कोनो भी बुराई बात बोली तो हम गम ना खापे हैं फिर हमारी देख लज्जो तुम अरे हाँ लक्ष्मी हमारी गुस्सा देखो ना तुम सुधारती पलट जे और तो और आ दो लेके जिए हैं सुन ली हमारी ठीक है तुम भी शांत रहो तुम जैसे समझ
आधी रात के वहां से रही नहीं तो चूल्हे में डाल दे अभी सब रख रही हो जाओ अब छत पे सजाओ अपने दादा समझा दो हमारी मताई से एकदम बिटिया बिटिया दिखा देखो अम्मी तो हमारी मताई समान आओ चलो सो रोटी खा लो चल मम्मी अभी तक और दादा तुम चूचो पार्ट नहीं करने का चल तो हाँ जाओ दे मैं रोटी वोटी दे भाई शांत रहो लेकिन जब जा समन घरे आई तो एकदम केल 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 लड़ाई करवा है बाकी कछु नहीं है राम दी सही में तो एक ही माय काम में खात रही कि पति परमेश्वर हो वो की हर बात मानने आउ थे और ज्यादा झगड़ा नहीं करने आउ चूचो पार्ट नहीं करने आउ तो ससुर की सेवा करने आउ थे पगलू पति पतीला कहो चाय चढ़ावे के लाने हुए चाय बनाई जात वो सुनो कंट्रोल करो जात जैसी चाबी लगाई जात ऐसी लगा रहा करेंगे ये पति औरन है तो लाइन में लगाओ जात तो ऐसी ससुर औरन है जो साजी होत ना अब देख रहा पति के सो बोलत तू तोरो तोरी इज्जत है घर में ससुर करत तोरी इज्जत क्या का इज्जत करत भाई फिर भी ऐसा थोड़ी करने आओ ससुराल कहो जो ससुराल कहो इतना यब जय जन्मी तुम इतना यब पली पुसी सब कछु इतना यब हो तुम आओ है मैं तो मर गई जिंदगी हाथ घत्तर घत्तर ओ का तो अपने मन से जान ही लगा था कि हमारी बताई से ऐसा कह दई तऊ की सुनिए नहीं भाई लगा थे लेकिन तुम जो कहा सिखा रही हो कि पतीला कहा उत्पति ऐसो कछो नहीं उत्पति परमेश्वर हो तू की इज्जत करने आओ थे हमने आज लो इज्जत करी होती ना तुम्हारी बात थी सुजी ढंग के और ना प्यारे होते आज लो और ना तुम्हें प्यारा पाऊते ठीक है ना ठीक है भाई तुम जैसो कहो वही करो मैं बताऊ कंट्रोल कैसो करूँ जा जैसे या तो पति के ससुर को गाय पिराध काम ना करो रोटी बनवाओ झाड़ू लगवाओ पानी भरवाओ बर्तन पोछा गंजन ढोर बछेरुआ नचारो वो जो कुगा पे का कहो पानी आनी लगने सब भरवाओ वो बढ़िया तुम पड़ रहे बीमारी को लेके बहानो बस कह दई मुँह तो ऐसा लगा कि अच्छी चाट मिल जाए समोसा मिल जाए गरम गरम मंगवारी मिल जाए खावी मैं तो यही गुना करत रही तूरी दद्दा संगे लेकिन भाई जी मुँह नाटक अगर इन्हें पता चल जाए सुबह तो मुँह घर से बाहर निकाल अरे बेटा ते परी चक चल में ठीक है जब पता चले जब की जब देखीजे है लेकिन भाई जो सब तो गलत है ना काहे को गलत है बेटा देख अपने हाथ में पैसा टका खल लू सुसारी दब के रह जे है राम दी भाई कांती तुम बिल्कुल सांसी आओ ऐसे ही करने ठीक है बेटा हाँ हाँ तो मुरी बात मान अब चल चल ये काका हो देख ली काम दंद अवे वो जो दमांद आओ के जो रखू हुए बनू बनाओ सू खा लो और पढ़ रहा हो सब कहते भैया मैं तो बेटा महाराज बुखार चढ़ू दमांद लल्ला वो बिटिया को तो 2 बजे से उल्टी हो रही पता नहीं क्या होगा कौन बैरियन ने करा दो कछु करा दो मुझे लगा सुना हो भाव खेल जी भाई इतना सब करने पड़े हाँ वेट अभी कछु करने आए देख कछु पावे हाँ कछु खोने आओ ठीक मैंने तो करी ऐसी ऐसी छरछंद ऐसी ऐसी छरछंद कि का बताऊ मैं ठीक है भाई अब से मैं ना को की इज्जत करो ना पति बिल्कुल नहीं और ना ससुर की हाँ ठीक है हाँ। ना ढंग से बोलो बिल्कुल नहीं ठीक है अब मैं देखा नहीं नहीं वो धुतिया हाओ ठीक है नहीं ना जमका ची कंगन चूड़ी अबे तो है ही तुरे पैर भी उड़ भी कितने और तो और पता है दमाद है ना मैंने देखा हुआ तो एक बिटिया से कहा तुम जो नहीं कहा लव यू लव लू आई लव लू चुम्मा चुम्मा जो मैंने जाना था कछुआ की लूगा जो का कहा मैं तो जाना था ना तो मैं बैठो मैं आऊ था अच्छी सुना क्या मजा रही सही रहो बिटिया है ऐसे भड़काने जिमें हम राज करें और दो याद में अकेल अकेल करत रहे हम मोरी बिटिया सुख में रहे हैं मैं सुख में रहे हूँ बाप बेटा लड़ते रहे हम मरत रहे अब मैं भी कछु काम देख लू पढ़ लू खाना खा लू जल्दी